बाराबंकी जिले के रामनगर तहसील में इसे श्री लोधेश्वर महादेव में सावन के तीसरे सोमवार पर आज शुभ संयोग के बीच भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए लाखों श्रद्धालु और कांवड़िए उमड़े। इन शिव भक्तों को श्री कालेश्वर महादेवा में आज बेहद खास अनुभूति हुई। दरअसल तीर्थ नगरी में आज पहली बार शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा के लिए हेलीकॉप्टर ने पुलिस लाइन से उड़ान भरी, जिस पर डीएम अविनाश कुमार और एसपी दिनेश कुमार सिंह भी सवार। दोनों के द्वारा हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा से शिव भक्त भाव विहोर हो गए। इस दौरान पूरा महादेवा परिसर हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, हर हर बम बम के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। दरअसल सावन के तीसरे सोमवार पर दूर दूर से आए लाखों श्रद्धालु अपने आराध्य देव के जलाभिषेक के लिए देर रात से ही लाइन में खड़े रहे। रात 12 बजे के बाद मंदिर के पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच देवाधिदेव लोधेश्वर महादेव की पूजा अर्चना की। उड़न खटोला द्वारा शिव भक्तों पे पुष्प वर्षा की गई, कैसा लगा शिव भक्तों को? बहुत बढ़िया लगा। हमारी कोशिश रहेगी 2024 पे जो लाइन रोकती है मोदी जी आए और 2027 में योगी जी आए, फिर हर बार ये हड़ताल होता रहेगा। शिव भक्तों के लिए पिछली सरकार और इस सरकार में क्या अंतर आप देख रहे हैं? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। केंद्र ये हो गए, समाजवादी पार्टी ज्यादातर मोहंडम का साथ देती थी, हिंदुओं का कभी साथ। राम मंदिर का ही आप उदाहरण ले लीजिए, छोटा सा अगले मुलायम सिंह ने गोली कितनी चलाई, इस पे योगी बाबा ने डंके की चोट पे बोला कि एक मच्छर कोई नहीं मार सकता, कोई मरा। इस बार राम मंदिर भी बना, हमारा बना राम मंदिर। मलमास का पहला सोमवार है, इस पे काफी संख्या में श्रद्धालु आए, पुष्प वर्षा की गई, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? इस महीने का क्या विशेष महत्व होता है? सावन के महीने में जो है भोलेनाथ का विशेष महत्व है। सभी श्रद्धालु कोई लेट कर, कोई पैदल चल के, कोई साइकिल से, कोई गाड़ी से, काफ़ी दूर दूर से लोग कांवड़िए आते हैं और भोलेनाथ लोधेश्वर महादेव का आशीर्वाद लेते हैं। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ भी कांवड़ मेला लग रहे हैं सभी को फूल वर्षा कराने का काम हो रहा है। और इसलिए हम माननीय योगी जी का और अपने देश के शिशु प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जनता और श्रद्धालुओं का जो है जो मन में इच्छा थी कि सरकार की तरफ से हमारा मान सम्मान बढ़े और उसको बढ़ाने का काम योगी जी ने आज हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा द्वारा की है। हमारा भोलेनाथ से यही निवेदन अनुरोध करने आए हैं कि मोदी जी का और योगी जी का आशीर्वाद बना रहे और देर साल तक उनकी सरकार हमारे प्रदेश और देश में चले। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सावन का मलमास महीना चला, इसका क्या विशेष महत्व होता है? मलमास महीना भगवान विष्णु के नाम से पुरुषोत्तम मास महीना है, हरि और हर का मिलन है। इस महीने में जो भी पूजन करता है, परिक्रमा लगाता है, उस पे भगवान विष्णु और भोलेनाथ की दोनों लोगों की कृपा होती है। इस महीने में जो श्रद्धालु पूजा करते हैं उसका क्या विशेष फल होता है? हाँ, उसका विशेष फल होता है 3 साल के बाद मलमास पड़ता है और मलमास में जो भी भक्त पूजन करता है भगवान का, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यन मूर्धन लीलाम विद्धात जानवी यन मन के कीरत भाल चंद्रमा यह षष्ठ हेता भवन त्रिलोचनो लोधेश्वरोत्सव विजय प्रभुना। और आज तो रामराज की आप कल्पना कर सकते हैं कि जीवन में पहली बार पुष्प वर्षा हुई है हेलीकॉप्टर और महादेवा में पुष्प वर्षा हुई है और पहली बार हुई है बाराबंकी में। किस तरह से पुष्प वर्षा हुई कह रहा है? आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में कांवड़ यात्रियों और जो हमारा सावन मास जो चल रहा है उसमें सोमवार के दिवस महादेवा मंदिर पर पुष्प वर्षा पहली बार बाराबंकी में की गई है। इससे भक्तों में काफ़ी हर्षोल्लास है और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं पूरे बाराबंकी की तरफ से हार्दिक शुक्रिया और शुभकामनाएं कि इस प्रकार का प्रयास पहली बार यहां पर किया गया।